जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के लिए इस क्लास में हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथियों, बिल्कुल छोटा सा क्लास होने वाला है, इसलिए पूरी क्लास को आपको जरूर देखना है और उसके बाद सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड। दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ आपको डेली टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो साथियों, चलते आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ चुका है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो दोस्तों, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का संबंध किस खेल से हो जाएगा? कुश्ती से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। और याद रखना, इन्होंने 2012 में, है ना, 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता था। और 2009 आप याद रखिएगा, सुशील कुमार ने 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर दो हमारे पास है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो दोस्तों, याद रखना, भारत में सबसे ऊंचा झरना शरावती नदी पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। और दोस्तों, इस झरने का जो नाम है, जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, इतनी जानकारी आप याद रखिएगा। और कावेरी नदी से इसका उद्गम आप याद रखना, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से इसका उद्गम हुआ। और उसके बाद जो पेरियार नदी है दोस्तों, इसका उद्गम भी आपको याद रखना है, पश्चिमी घाट के शिवागिरी पहाड़ी से हुआ है। आगे बात करें अगर क्वेश्चन नंबर तीन की, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो दुनिया की लौह और इस्पात राजधानी के रूप में दोस्तों पिट्सबर्ग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो मास्को आपको दिखाई दे रहा है, इसे याद रखना, ये रूस की राजधानी है। और लंदन से दोस्तों याद रखना है, ब्रिटेन की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर चार हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन दिए गए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले तो आपको याद रखना है, एओ होम इसके संस्थापक थे। और एग्जाम में पूछ लेता है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो साथियों याद रखना, इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर पांच हमारे पास है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका का जो नाभिक है दोस्तों उसका आविष्कार किया था। अगर रॉबर्ट हुक की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने कोशिका की खोज की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अगर बात की जाए, तो इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ का गलनांक कितना होता है? दोस्तों चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें बर्फ का गलनांक पूछा गया, तो याद रखना 273.15 के में होता है दोस्तों, 273.15 के। और मैं आपको बता दूं कि जो गलनांक होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो गलनांक वो तापमान जिस पर एक पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। आगे बात करें सात नंबर की, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो प्यारे साथियों याद रखना, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का जो निर्माण किया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और 695 से आपको याद रखना है साथियों, 728 ईस्वी तक याद रखना नरसिंह वर्मन का क्या रहा, शासन काल रहा था, ठीक है ना। बात करते अगले क्वेश्चन की जो आपके सामने, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों में जो समानता का अधिकार है उसका मतलब होता है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं,
ये याद रखना समानता का अधिकार है, और एग्जाम के अंदर पूछ लेगा कि भाई समानता का अधिकार जो है इसका विवरण किन से कहां तक अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 14 से 18 आपको याद रखना है। अनुच्छेद 14 से 18 में याद रखना समानता के अधिकार का विवरण किया गया। बात करते अगले क्वेश्चन की, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो प्यारे साथियों, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में हुआ है, और मैं आपको बता दूं ये भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? नर्मदा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और सत्यमेव जयते जो है दोस्तों याद रखना ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो अलाई दरवाजा का निर्माण दोस्तों याद रखना अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और इसे लगभग 1311 ईस्वी में बनवाया था, ये जानकारी भी आपको याद रखना है। और दोस्तों याद रखना अलाउद्दीन खिलजी जो था दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा शासक था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? तो दोस्तों अशोक स्तंभ सिंह जो है याद रखना सारनाथ, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और अशोक स्तंभ जो भारत सरकार है दोस्तों उसका राष्ट्रीय प्रतीक भी है, तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो प्यारे साथियों, लोकसभा में टोटल 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और मैं आपको बता दूं इनको मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। और उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी याद रखना है, 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में दोस्तों, और 2019 में याद रखना इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधान मंडल में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, क्षय रोग या टीबी रोग बताओ किसके कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग या टीबी रोग बैक्टीरियल के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना क्षय रोग या टीबी रोग दोस्तों किसको प्रभावित करता है, एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, तो ये याद रखना फेफड़ों को प्रभावित करता है। और विश्व क्षय रोग दिवस भी मनाया जाता है प्रति वर्ष 24 मार्च को। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको याद रखना है। और साथियों ये जो 8 बिंदु है मतलब 8 डिग्री जो चैनल है याद रखना लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, क्लियर ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन में कबड्डी से संबंधित विकल्प जो है, ऑप्शन नंबर ए AKFI, और दोस्तों इसका पूरा नाम अगर एग्जाम में पूछ ले तो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया है। और याद रखना AKFI कबड्डी की एक संस्था का नाम है, और इसका मुख्यालय आप याद रखिएगा, इसका मुख्यालय साथियों जयपुर में है, इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। और उसके बाद फीफा का संबंध फुटबॉल से है, और BCCI का दोस्तों याद रखना क्रिकेट से है। बात करें 17 नंबर की, भारत का अधिकांश भाग किस मिट्टी से ढका हुआ है? तो प्यारे साथियों भारत का अधिकांश भाग में जो पाई जाती है मिट्टी वो है जलोढ़ मिट्टी, यानी सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है दोस्तों। और याद रखना ये लगभग 43% पर पाई जाती है, इसलिए सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर
कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो प्यारे साथियों कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध मंदिर खजुराहो मंदिर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मंदिर है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। आगे बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप बताना है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप आपको याद रखना है। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। तो प्यारे साथियों भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार इसके अंतर्गत आती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे पूरे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए डेली इस क्लास को आप जरूर देखा करें और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसमें आपको करवाए जाएंगे। और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।